हेलो दोस्तों, मैं आज आपका अपने इस नए ट्रैवलिंग सफ़र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको उत्तर पूर्वी भवन दिलखुशा कोठी के बारे में बताऊँगा, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अपने शासन के शुरुआती दिनों में नवाब वाजिद अली शाह ने सन 1847 से 56 ईस्वी में दिलखुशा कोठी के उत्तर पूर्वी भाग में इस भवन का निर्माण अपनी पूरी सेना व उनके सैनिक अभ्यास हेतु इस मैदान को साफ करवाया था, तथा अंग्रेजों ने इस अभ्यास पर आपत्ति जताते हुए यह अभ्यास को बंद कराने को कहा, जिससे नवाब ने पूरी तरीके से नकार दिया। यूरोपीय शैली में निर्मित इस भवन का निर्माण लखौरी ईंटों एवं चूने के मसालों तथा इस पर चूने का मोटा पलस्तर किया गया। इस भवन के प्रवेश द्वार का अलंकरण आकर्षक है। यह पूरी कोठी भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में अपनाया, जिसके द्वारा निरंतर इसका संरक्षण कार्य किया जा रहा है। आपके सामने यह जो दूसरी भव्य कोठी दिख रही है, यह भव्य कोठी का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 1797 ईस्वी से 1840 ईस्वी के शासनकाल में परंपरागत इंग्लिश बोरोक शैली में लखौरी ईंटों से किया गया। इस पर चूने के मसाले से पलस्तर तथा अलंकरण किया गया। नवाब के मित्र ब्रिटिश रेजिडेंसी कौर औजली ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इसकी डिजाइन इंग्लैंड में स्थित सीतम डलावल हाल की आर्किटेक्चर से मिलती है। यह भवन अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह के साथ साथ ही आरामगाह भी था। ब्रिटिश मेजर जनरल सर हेनरी हैलॉक ने 24 नवंबर सन 1857 को इस कोठी पर अपनी अंतिम सांसें ली। यह जो दो समाधि आप लोग देख रहे हैं, यह उस समय ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की हैं, तथा इनकी मृत्यु 16 नवंबर 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध में हुई थी, जो कि इनकी समाधि यहीं पर बना दी गई। यह जो आप ठीक सामने देख रहे हैं, यह इस कोठी का प्रमुख गेट है, जो कि अब एक खंडहर में बदल चुका है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज और गाने की शूटिंग हो चुकी है। इस कोठी की सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तथा ब्रिटिश ने इस पर कब्जा करके इसे अपना मुख्यालय बनाया था। आप देख सकते हैं, इस कोठी की छत और दीवारें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ पर आप इस कोठी को पूरी एक नज़र में देख सकते हैं, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा अभी इस ऐतिहासिक विरासत को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर कैमरा तथा गिम्बल से शूट करना मना है, आप मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पर इस कोठी के बगल में एक खूबसूरत गार्डन भी है, जिसका नाम दिलखुशा गार्डन है, जो कि काफ़ी अच्छा पार्क है। यह पार्क काफ़ी अच्छा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ पर वॉशरूम तथा पीने की पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यह इस पार्क का पूरा आउटर लुक देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यह पूरा इलाका लखनऊ कैंट एरिया छावनी में आता है।